फजीला एंड आज आप लोगों के साथ सॉफ्ट ग्लैम लुक शेयर करूंगी। इसे क्रिएट करना, वेयर करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोग ने किस तरह की बेस यूज़ करनी है, क्योंकि बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स का मैंने इसमें इस्तेमाल किया है। एंड आज मैं जो लेंस वेयर कर रही हूँ ये मेरी कॉन्टैक्ट लेंस है, बट आप लोग को कम रेंज में भी लोकल मार्केट से लेंस मिल जाएगी, क्योंकि ये मेरी कॉन्टैक्ट लेंस है। ये मैंने काफ़ी एक्सपेंसिव ली थी। लाइट ग्रे कलर है मेरी लेंस का। यहाँ पर मैं अर्गन ऑयल यूज़ कर रही हूँ स्किन को प्रैप करने के लिए। मेरी स्किन बीच में भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई थी, छोटे छोटे से पिंपल्स हो गए थे। जो अर्गन ऑयल होता है वो आपकी स्किन को रिपेयर करने में कमाल का वर्क करता है। फिर जी स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ एलोवेरा जेल। आपने अपने फेस एंड नेक दोनों जगह पे इसे अप्लाई करना है। एंड इसे अप्लाई करने के बाद पाँच मिनट वेट करना है। वेट करने के बाद हम लगाएंगे प्राइमर। यहाँ पे मैं मिस रोज का प्राइमर यूज़ करूँगी, जो कि काफ़ी अच्छा है और अफोर्डेबल भी है, आपको लोकल मार्केट से बआसानी मिल जाएगा, ठीक है। और जी इसके बाद मैं यहाँ पर एक्वा कलर जो पैंट स्टिक यूज़ कर रही हूँ, मैंने लोकल मार्केट से बाय किया था, 4-500 की रेंज में थी और काफ़ी लाइट कलर है। FS38 नंबर है इस स्टिक का। आप लोग देख सकते हैं कि कितना लाइट कलर है। मेरी स्किन पे बिल्कुल भी शूट नहीं कर रही थी, बट हल्की सी अपनी स्किन पे ना एक तेज जमाने के लिए मैंने बस इसे लगाया था, लाइट से बिल्कुल अप्लाई की थी। एंड यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ ये वेट केक, जो कि काफ़ी अच्छा है, कलर इंस्टीट्यूट का है। इसे लगाना बेहद आसान है। बिगनर्स के लिए ये वाली बेस ना हाईली रिकमेंडेड है, लॉन्ग लास्टिंग है। 7 आवर्स तक मैंने इसे यूज़ किया, मतलब अपने फेस पे लगाए रखा, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है यार, ठीक है। फिर फेस पाउडर अप्लाई करने के बाद, मतलब फेस को लॉक कर लिया मैंने फेस पाउडर अप्लाई करके, और फिर यहाँ पर मैं एमेली की ब्राउन आईब्रो पेंसिल है उससे मैंने यूज़ किया। बिल्कुल लाइट सी नेचुरल लुक दिया है मैंने। आईब्रो का शेप जो है वो नेचुरल रखा है, काफ़ी नेचुरल लगे ताकि मेरी आईब्रो, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने आई शेडो पैलेट लिया है, वो मैं आप लोगों को बता दूँगी कि लिख दूँगी स्क्रीन पे कि कौन से ब्रांड का है ये कलर। अच्छा, यहाँ पे मैंने पीच कलर का आई शेड में से ना कलर लिया था और अपनी आई बेस बनाई। ब्लश ऑन यूज़ किया है मैंने, वो भी मैं आप लोगों को बता दूँगी कि कौन सा मैंने ब्लश ऑन यूज़ किया है। काफ़ी अच्छा है, पिगमेंटेड नहीं है बहुत ज़्यादा, बट लगने के बाद ना ये लुक काफ़ी अच्छा देता है। फिर जी मैंने बिल्कुल सोबर और सिंपल सी आई लुक क्रिएट किए हैं। आप लोग देख सकते हैं आईलाइनर, मैंने विंग आईलाइनर क्रिएट किया है। और इसके बाद ना, अच्छा पहले मैं अच्छे से पहले लाइनर लगा लेती हूँ, फिर इसके बाद बताती हूँ कि मैंने बॉर्डर लाइन में क्या यूज़ किया है। अच्छा, तो फ्रेंड्स जो मार्केट में बिल्कुल लोकल पेंसिल मिलती है, 60 रुपये की ये पेंसिल मैंने बाई की थी, रेड कलर है ये। इसे मैंने बॉर्डर लाइन में अप्लाई किया, मुझे ये लुक काफ़ी अच्छा लगा। मैंने किसी यूट्यूबर को देखा था ये इस तरह से बॉर्डर लाइन में लिप पेंसिल लगाते हुए, तो मैंने सोचा आज मैं भी ऐसे ही लगाऊंगी। बॉब का मस्कारा यूज़ किया है, काफ़ी अफोर्डेबल ये भी है, 200-250 तक की रेंज में ये मिल जाएगा आप लोगों को लोकल मार्केट से। इससे आपकी जो लैशेस है ना वो बहुत ज़्यादा वॉल्यूमनाइज हो जाती है, आई थिंक ऐसे ना, हाँ वॉल्यूम, काफ़ी वॉल्यूम आ जाता है आपकी लैशेस में। अच्छा, जो मैंने बॉर्डर लाइन में लिप पेंसिल यूज़ की थी ना, वही लिप पेंसिल से मैं अपनी आउटलाइन बनाऊंगी। लिपस्टिक लगाते हुए मैंने सोचा था कि मैं पीच कलर की लिपस्टिक लगाऊंगी, क्योंकि मेरा सूट भी जो था ना वो पीच था, जो कि टेलर के पास गया हुआ था, और मैं पूरी रेडी हो गई थी, हेयर स्टाइल भी बना लिया था, सब
कुछ कर लिया था, बट मेरा जो सूट है ना वो बहुत लेट आया फिर जी। और पता है कि आप लोगों को, कि मैंने ज्वेलरी भी वेयर कर ली थी गोल्डन कलर की, और जब मेरा सूट आया ना तो फिर मैंने सोचा यार कि इस सूट के साथ ये ज्वेलरी अच्छी नहीं लग रही है, फिर मैंने उसे उतारा, फिर मैंने सिल्वर कलर की ज्वेलरी जो है ना वो पहनी, और फिर उसके बाद ना बहुत ही ज़बरदस्त लुक आया। ठीक है, इन्हीं सारी चीज़ों के दौरान मैंने अपना मेकअप पूरा कर लिया, मैंने रेड कलर की लिपस्टिक लगाई, और ये रेड कलर की लिपस्टिक जो है ना ये मैंने 100 रुपये की बाई की थी, सही है। और इसी के ऊपर मैंने एक क्या बोलते हैं लिप ग्लॉस यूज़ किया था, लिप ग्लॉस भी मैंने 100 रुपये का ही बाय किया था, काफ़ी अच्छा है ये लिप ग्लॉस, इससे मेरे लिप का जो शाइन है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त आ गया था। अच्छा, यहाँ पे हाइलाइटर मैंने यूज़ किया है, मैक का हाइलाइटर है, ये भी 200-300 तक का था आई थिंक, ऐसा ही मैंने लोकल मार्केट से बाय किया था। एंड इसका आप लोग शाइन देखें कि कितना ज़बरदस्त एंड प्रोफेशनल सा लुक आ रहा है इस हाइलाइटर का, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अच्छा, तो फ्रेंड्स अब बारी आती है हेयर स्टाइल की, मैंने सोचा ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, क्योंकि बहुत ही सिंपल इजी पीजी सा मैंने हेयर स्टाइल बनाया था जिसे अक्सर लोग वेयर करते हैं, इस तरह के हेयर स्टाइल को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने फ्रेंड्स है ना सिर्फ एक पफ बनाया था, फ्रेंड से उठा के साइडों से खूब सारी मैंने लटे निकाली थी। अच्छा, इसी दौरान मेरा फ्रूट नहीं आया था, तो मैंने सोचा अपने लिप पे ना मैं लिप ग्लॉस लगा लूँ, बहुत ज़्यादा मैट लग रही थी तो मैंने यहाँ पे लिप ग्लॉस लगा लिया। फिर जी इसके बाद अब हम दोबारा से आ जाएंगे हेयर स्टाइल पे, तो यहाँ फ्रंट से मैं बनाऊंगी एक पफ और साइडों से खूब सारी लटें निकालूंगी, और उसके बाद पीछे बैक पे मैंने एक पोनी बनाया था। चलो आप लोग फुल स्टाइल देखें। अच्छा, तो फ्रेंड्स आगे की लटों को मैंने अच्छे से ना स्ट्रेटनर की हेल्प से ना कर्ज किया था इस तरह से कुछ। अच्छा, तो फ्रेंड्स इवेंट में जाने से पहले ना मैंने क्या किया, पहले मैंने गोल्डन ज्वेलरी वेयर की, मैंने गोल्डन कलर की चेन डाली अपने नेक में, एंड उसके बाद मैंने ये पीच कलर के बुंदे गोल्डन के साथ थे इसे वेयर किया, बट ये ना थोड़ा डग्गो वाला मुझे लुक दे रहा था। फिर इसके अलावा मैंने बोला सब कुछ मैंने सिल्वर पहना है तो क्यों ना ज्वेलरी भी सिल्वर होनी चाहिए, एंड ये था मेरा फाइनल लुक। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय।